तो एक बेहतरीन मोड पर आ चुकी है सीरीज और कल है इस पिक्चर का दी एंड। तो कौन होगा इस पिक्चर का विनर और कौन उठाएगा ये कप, कौन जीतेगा ये सीरीज और कौन रह जाएगा इतने करीब आके भी हार मिलेगी जिसको, तो क्या कुछ होने वाला है कल के इस बेहतरीन मैच में जो कि है फाइनल, क्योंकि सीरीज आ चुकी है 2-2 पर। तो क्या कुछ होगा कल के इस मैच में, उस सब बातों पर करेंगे चर्चा। उससे पहले शुरू कर लेते हैं वीडियो। वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों, जल्दी से बात करें कल के इस बेहतरीन मैच की जो कि है एक तरीके से बिल्कुल ही फाइनल। तो बिल्कुल ये जो सीरीज है इस मोड पर आ चुकी है, जैसा लग रहा हो कि भैया बिल्कुल पिक्चर चल रही है और पिक्चर जो है अब दी एंड पर आने वाली है। तो क्या होने वाला है इस क्लाइमैक्स में, जहां इंडिया शुरू में पिछड़ गई थी 2-0 से, वहीं इंडिया ने करके दिखाया। और इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है जब इंडिया 2-0 से पिछड़ती हुई है सीरीज में और उसके बाद वो सीरीज जीत चुकी हो, ऐसा ही कल इंडिया के फैंस उम्मीद करेंगे और इंडियन टीम उम्मीद करेगी कल भी कुछ ऐसा ही हो, एक बार सीरीज में फिर से पिछड़ने के बाद सीरीज जीत जाए। वहीं साउथ अफ्रीका भी चाहेगी कि भैया जो 2 मैच शुरू में जीते थे उसकी तरह की परफॉर्मेंस दी जाए आखिरी मैच में, क्योंकि जो पिछले 2 मैच हुए उसमें बिल्कुल भी वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली दोस्तों। तो कल होने वाले मैच से पहले चर्चा कर लेते हैं कल हुए मैच की, जो कि खेला गया था इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका, 4th T20 और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली दिनेश कार्तिक पे से, क्योंकि दिनेश कार्तिक इस टीम में सीनियर प्लेयर्स थे और वापसी कर रहे थे, बहुत सारी उम्मीदें और बहुत सारी नजरें उन्हीं पर टिकी हुई थी और उन सभी क्रिटिक्स को उन्होंने बेहतरीन जवाब दिया और अपने फैंस को भी बिल्कुल ही एक तोहफा दिया और बताया कि भैया अभी भी क्रिकेट उनमें बाकी है। जबरदस्त उन्होंने इनिंग खेली जब इंडिया को बहुत ज़्यादा जरूरत थी, जहाँ विकेट एक तरफ से गिर रहे थे, स्कोर बोर्ड बहुत ही कम पे रुका हुआ था, वहीं ताबड़तोड़ पारी खेली और जड़ दिया अपने T20 करियर का पहला अर्धशतक। इसी अर्धशतक की मदद से पहुंच गए एक सम्मानजनक स्कोर पे और वहीं मदद मिली किसको, इस बार ना ही मदद मिली भुवनेश्वर कुमार की तरफ से, ना ही मदद मिली हर्षल पटेल की तरफ से। इस बार उभर कर आया एक नया सितारा जो कि था आवेश खान। जी हाँ, लास्ट 3 मैचों में नहीं कर रहे थे बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस और लग रहा था कि 4th T20 से हो जाएंगे ड्रॉप, पर मौका दिया इंडिया की टीम ने और उन्होंने दिखाया, 4 विकेट लिए और बेहतरीन नाकेबंदी करी और इंडी साउथ अफ्रीका को रोका और इंडिया को जिता दिया 4th T20। वहीं साथ दिया उनका चतुर चहल ने भी, तो बेहतरीन चल रही है गेंदबाजी। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फाइनल मैच की जो कि खेला जाएगा बेंगलुरु के इस बेहतरीन ग्राउंड में। तो दोस्तों इस मैच का नतीजा जो भी हो, पर उससे पहले ये तो क्लियर है कि भैया बेंगलोर का ये जो चिन्नास्वामी स्टेडियम है, यहाँ पर रन की बरसात होने वाली है, दोनों ही तरफ से जबरदस्त हिटिंग देखने को मिलेगी। छोटा ये ग्राउंड है तो अगर एक बार बल्लेबाज सेट हो जाता है तो आतिशी पारी खेलने से वो पीछे नहीं रहेगा दोस्तों। वहीं दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं टॉस की, तो टॉस एक बार फिर से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है इस छोटे ग्राउंड में और बैटिंग पिच यहाँ पर है और ओस भी आ सकती है, तो टॉस तो एक बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ऋषभ पंत 4 में से 4 टॉस हार चुके हैं, तो उम्मीद करेंगे कि भैया ये जो फाइनल का सिक्का है वो उनके पक्ष में गिरे दोस्तों। वहीं अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें, तो प्लेइंग 11 में भी कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे दोनों ही टीम की तरफ से, क्योंकि इंडिया के पास तो भैया देखो फाइनल है, तो वो जो 4 नए बंदे बिठाए हैं बेंच पे उनको मौका दे सकते थे अगर इंडिया सीरीज जीत जाती, पर ये भैया ऐसा माहौल बन चुका है कि ये बन चुका है फाइनल, तो बिल्कुल भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे और वही प्लेइंग 11 खेलेगी जो अपने 4 मैचों से खेलती आ रही है। वहीं साउथ अफ्रीका की तरफ से भी हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, हाँ अगर तंबा बबूमा अगर इंजर्ड हो चुके हैं तो वो अगर फिट नहीं होते तो चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि कगिसो रबाडा की वापसी हो सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा खली थी उनकी जगह। और बैटिंग में दोस्तों साउथ अफ्रीका थोड़ी सी कमज़ोर दिख रही है, क्योंकि उनके पास एक तो ना ही पूरे 6 बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर आ जाते हैं 6 नंबर पर, तो कुछ ज़बरदस्त पारी बैटिंग उनकी तरफ से दिख नहीं रही है। वहीं दोस्तों इंडिया के पास एडवांटेज है और वो चाहेगी कि टॉस अगर वो जीत जाती है तो एक अच्छा स्कोर बना, एक कम स्कोर पे रोका जाए और मैच जीता जाए। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इस मैच के नतीजे की, तो मुझे लगता है कल इंडिया जीत जाएगी, एक बार फिर से करके दिखा देगी कि भैया पिछड़ने के बावजूद वो सीरीज जीतेगी। और आप भी कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए